दोस्तों मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं टेक एन ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक वर्किंग लोन एप्लीकेशन के बारे में और एक आरबीआई रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन के बारे में। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों जरूर करिएगा। काफी लोगों डिमांड थे भाई एक आरबीआई रजिस्टर्ड फॉर्म के बारे में बताओ जिसमें कि हमको थोड़ा बहुत अच्छा खासा समय मिल जाए लोन भुगतान करने के लिए। जानेंगे डिटेल्स में कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से लोन्स के लिए अप्लाई करना है और मुझे यहाँ पर कितने का अप्रूवल मिली है, ये भी आज के वीडियो में लाइव ही आप देख पाएंगे। ये वीडियो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके नहीं देखना चाहिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। दोस्तों अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, फिर मेडिकल इमरजेंसी आ पड़ी तो डेफिनेटली आप इस एप्लीकेशन की तरफ दोस्तों जा सकते हैं। यहाँ आपको जानकारी के लिए बता दूं मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ क्रेडिट वन एप्लीकेशन के बारे में, जो कि एक ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है। डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म ऐप की मदद से ही आप घर बैठे पर्सनल लोन ले सकते हैं। फास्ट एंड इजी और साथ साथ सिक्योर एप्लीकेशन भी है। 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ एप्लीकेशन ये वर्क करती है और आप अपने फाइनेंशियल को थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर सकते हैं। जानेंगे सब कुछ डिटेल्स में किस तरह से एप्लीकेशन ये वर्क करती है। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी आपको यहाँ पर क्रेडिट लिमिट्स मिलेगी भैया आपको यहाँ पर आरबीआई द्वारा अप्रूव एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से ही मिलते हैं। 2 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। बात आती है दोस्तों यहीं पर इंटरेस्ट चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पर सालाना 35% लगभग चार्ज कर सकती है। 91 दिनों से लेकर 180 दिनों का समय मिलता है लोन भुगतान करने के लिए। 3000 रुपए से स्टार्टअप करती है, 2 लाख रुपए तक का लिमिट्स आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों अगर आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं ये पूरे भारत में दोस्तों लोन सर प्रोवाइड कराती है। बात कर लेते हैं फटाफट इस एप्लीकेशन के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए लोन अप्लाई करने के लिए। दोस्तों अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, इनकम का सोर्स है, साथ साथ भारत के नागरिक हैं, तो भाई डेफिनेटली आप यहाँ पर लोन्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपकी सिविल स्कोर कम से कम 700 से ऊपर होनी चाहिए। बात आती है यहाँ पर दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, तो गवर्नमेंट आईडी के प्रूफ के तौर पर आप यहाँ पर या फिर एड्रेस प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड दे सकते हैं और ऐसे में आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपको पैन कार्ड देना होगा। ठीक है, यानी कि आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर ही दोस्तों ये लोन सर्व करने वाली एप्लीकेशन है। किसी तरह का कोई इनकम प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप की जो डिमांड करती है। ये एप्लीकेशन आपसे कुछ भी चीज़ें ऐसा नहीं मांगती है इनकम प्रूफ के तौर पे। आपके पास सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट होने चाहिए और सब और सिविल थोड़ी बहुत ठीक ठाक होनी चाहिए, उसके बिहा पर आप यहाँ पर घर बैठे पर्सनल लोन ले सकते हैं 100% पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि कम से कम डॉक्यूमेंट में आपको लोन्स प्रोवाइड कराती है। भारत में कहीं से भी हो कभी भी आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड तो एटलीस्ट होनी चाहिए, मंथली इनकम का सोर्स होनी चाहिए लगभग 15,000 रुपये। तो इस चीज़ को अगर आप फुलफिल करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर दोस्तों लोन्स के अप्लाई कर सकते हैं। आप कभी भी घर बैठे ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से। 24/7 आप लोन की प्रोसेस कभी भी कर सकते हैं, आपसे कोई भी एडवांस चार्ज नहीं मांगती है लोन देने के नाम पे। दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा था क्रेडिट वन एप्लीकेशन के बारे में, जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से ही लोन फंडिंग करने वाली एप्लीकेशन है। हालांकि मैंने इस एप्लीकेशन को लेकर बहुत पहले एक वीडियो भी बना चुका था, लोन लेकर भी लोगों को दिखाया था, लेकिन काफी लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है भाई हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जा रही है, हमें लोन सर्व नहीं कर रही है। अभी हम एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ओपन करेंगे और बताएंगे थोड़ी सी डिटेल्स कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हो रही है और मुझे यहाँ पर कितने के अप्रूवल मिली है, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। बस वीडियो में हमारे साथ दोस्तों बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिएगा। दोस्तों ये है एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस। जब भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, अपने फोन में इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपसे कुछ परमिशन भी ली जाएंगे, जिसमें कि SMS, कॉन्टैक्ट लिस्ट, लोकेशन, डिवाइस इन्फॉर्मेशन, कैमरा, स्टोरेज, ऐप्स के लिए परमिशन देना होगा। लेकिन ये सारे परमिशन देने से पहले टर्म्स कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप सहमत हैं तो इस बॉक्स को चेकआउट करेंगे और आगे बढ़ने के लिए एग्री एंड कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर आपको सिंपल क्लिक कर देना है और इस तरह से एप्लीकेशन के ऊपर आपको अलाउ कर देनी है, जिसके जरिए से एप्लीकेशन को आप कंप्लीट परमिशन दे पाएंगे।
तो दोस्तों मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ मैं लॉग इन पहले कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये है क्रिएट वन एप्लीकेशन का मेन डैशबोर्ड और ऊपर में देख सकते हैं कि 3000 रुपए की अप्रूवल मिली है और 15 दिनों का समय इस एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, आज से 3 महीने पहले एप्लीकेशन मिनिमम 30 दिनों का समय प्रोवाइड कराती थी लोन भुगतान करने के लिए, अब ऐसे में इन्होंने यहाँ पर 15 दिन कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, 7 दिन वाले से तो बेहतर ही है। एक रजिस्टर्ड फॉर्म के जरिए से दोस्तों लोन फंड करती है, ठीक है, अपोलो फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड, ठीक है, उन्हीं के NBFC फॉर्म के जरिए से दोस्तों ये लोन फंडिंग करने वाली एप्लीकेशन आपको सिविल में भी रिपोर्ट करती है अपोलो फिनवेस्ट के नाम से, ठीक है। रिपेमेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को भी मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर लास्ट टाइम आपको लोन लेकर भी दिखाया गया था, 15 दिनों का समय आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है, जैसा कि स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप यहाँ पर 3000 रुपये लेते हैं लोन अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेल्फी यहाँ पर ले लेता हूँ। यदि आप 3000 रुपये के लिए लोन अप्लाई करते हैं, पूरे 15 दिनों का समय मिलेगा, 2221 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे, प्लेटफॉर्म फी 420 रुपये लिए जा रहे हैं, रीअसाइनमेंट फी 240 रुपये, GST अमाउंट 119 रुपये लिए जा रहे हैं, टोटल इंटरेस्ट यानी आपको देने होंगे 45 रुपये, जो कि 2.92% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज लगने वाले हैं, और नीचे में देख सकते हैं लोन को रिपेमेंट करना होगा 3045 रुपये। तो चीज़ें अपने हिसाब से सोच समझ के ही लोन से अप्लाई करिए, लगभग आपको 15 दिनों का समय मिल रहा है कि जेन्युइन फंड के जरिए से, ठीक है, एक सही तरीके से एप्लीकेशन ये वर्क करने वाली एप्लीकेशन है, एक वर्किंग लोन एप्लीकेशन है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप घर बैठे पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, मेडिकल इमरजेंसी है, पड़ी 1000-2000 रुपये की ज़रूरत है, तो भाई इस एप्लीकेशन की तरफ एक बार जरूर जाइएगा। लोन लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर दोस्तों निर्भर करता है, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, आपका काम है भाई सोच समझ के लोन के अप्लाई करना। तो ये था क्रिएट वन एप्लीकेशन का मेन डैशबोर्ड, जिसमें कि यहाँ पर 3000 रुपये की मुझे अप्रूवल मिली है। आधार पैन के बेस पे भारत में कहीं से भी आप ऑनलाइन लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से, बिना इनकम प्रूफ के आपको घर बैठे लोन आपको मिल जाते हैं, किसी तरह कोई बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, 100% सिक्योर एप्लीकेशन है। और साथ साथ इस एप्लीकेशन का खास बात यह है कि आप अगर ऑन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपकी सिविल भी इम्प्रूवमेंट होती है और साथ ही साथ आपकी लिमिट भी इम्प्रूवमेंट होते चली जाती है। अगर आप इस एप्लीकेशन द्वारा लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइव स्टेप प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो भाई इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि एप्लीकेशन के अंदर हमारी रिजेक्ट हो जा रही है, तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये तो पूरे भारत में लोन सर्विस प्रोवाइड कराती है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके रिजेक्शन होने का अगर 650 से लेकर 690 तक अगर ऐसे सिबिल स्कोर है तो हो सकता है आपको यहाँ पर रिजेक्शन देखने को आपको मिल सकता है। ये चीज़ें दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपके 700 से ऊपर सिविल स्कोर है तो किसी भी लोन अमाउंट की यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिल सकती है, लेकिन आपको शुरुआती दौर में 1000 रुपये से ही स्टार्टअप करती है लोन देना। दोस्तों इस एप्लीकेशन के अलावा भी और भी ऐसे एप्लीकेशन है जो आधार पैन के बेस पे आप मैक्सिमम लोन के साथ साथ मैक्सिमम लोन टर्म की सुविधा भी आपको देखने को मिल सकते हैं, वो भी आप EMI में ही लोन को भुगतान कर सकते हैं। आधार पैन के साथ लोन लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट एक बार दोस्तों जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए, वो भी लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ लोन लेकर दिखाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।